नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। बीबीपुर की रहने वाली एक महिला एक केमिस्ट के पास जाती है दवाई लेने के लिए। वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में नीलम की मौत हो जाती है। एक बार बातचीत करेंगे। आंटी जी, कब से बुखार था उन्हें, कब गए थे वो? कब से था? बुखार तो उसका बच्ची चढ़ जा रहा था, उतर जा रहा था, दवाई ले लती, उतर जाता, ना धो लती, रोटी भी रोज ही खावाती। वो तो ऐसी थी जैसे हम, वो तो उसका तो कुछ नहीं होया, बुखार ही था और कुछ नहीं था। अरे तो बुखार भी नहीं चढ़ रहा था, टेस्ट करवाना आई थी, इले टेस्ट करवा दो करवा दो, वो पूरा टिक्का भी नहीं भर ले गए गुड़ आगे मेरी बच्ची का। तो सुंगोई ते ली थी उस उसका इंजेक्शन किस चीज़ का, बुखार का लगाया था? ला दिया ले गली, वो टेस्ट करवा दो टेस्ट नॉर्मली कड़ा और कुछ नहीं था उसका, बुखार तो नहीं रहा था। परसों भी टिक्का लुआया ना, मैं चल बुखार उतर गया कोई बात नहीं, रोटी पानी अपना एन करा थी, लत्ते कपड़े धोए ना, सार काम कराया। टीका लगाती तबीयत और खराब होगी? हाँ जी भी होगी, जी भी उसका जगूड़ आ गए। केमिस्ट बता रहे हैं कि साथ में आए थे दोनों, फिर चले गए। मेरा पोता और मेरे बहू आए थे, पुत्र में वहीं थे। हाँ जी, देख सकते हैं मौके पर पुलिस भी जरूर पहुंची है, डायल 112 की टीम को जो है यहाँ पर जरूर बुलाया गया था और यहाँ पर पूरा परिवार पहुंचा हुआ है। और किस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला की जो मौत है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। जी हाँ, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत जरूर हुई है। फिलहाल डायल 112 की आरवी व्हीकल नंबर 414 जो है मौके पर जरूर बुला लिया गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप जो है कभी भी किसी बुखार जैसी स्थिति में किसी भी केमिस्ट से बिना किसी मेडिकल के ऑथराइजेशन ना हो या फिर किसी तरह की जो है वो डॉक्टर ना हो, तो उनसे किसी भी तरह का इंजेक्शन आपके लिए कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, इस बात की भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ट्रामा सेंटर में महिला को लेकर आया गया था, फिलहाल उनकी मौत यहाँ पर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि परिवार में किस तरह से जो है मातम का माहौल है और कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से देख सकते हैं कि परिवार पर दुखों का पार टूटा है। अचानक से एक महिला की मौत हो जाती है। 2 से 3 दिन बताए जा रहे हैं कि बुखार जो है वो रहा है और वो दवाई जो है गांव से ही लेते रहे, उसके बाद वो केमिस्ट पर जाते हैं, किसी दुकान की केमिस्ट पर जाते हैं और केमिस्ट जो है टेस्ट करने के साथ साथ एक इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगने के बाद ही जो बताया जा रहा है उनकी मौत हो जाती है। ट्रामा सेंटर उनको ज़रूर लेकर आया गया। फिलहाल डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुँची और कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बुरा जो है वो परिवार का हाल है। अंदर फिलहाल जो है मौके पर अंदर जो है महिला के शव है। आप उस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप किसी भी बुखार जैसी स्थिति में किसी भी केमिस्ट से अगर किसी बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के इस तरह की किसी भी इंजेक्शन को लगवाते हैं तो वो कितना ज़्यादा आपके लिए घातक हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप बिना किसी मेडिकल यानी कि जो डॉक्टर होते हैं MBBS डॉक्टर सर्टिफाइड डॉक्टर के बिना अगर आप इस तरह से इंजेक्शन किसी से लगवाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आपको रिएक्ट कर सकता है, वो आपके जो किसी ना किसी तरह की मेडिकल इशू क्रिएट कर सकता है। जिसके बाद एक बार पुलिस जो है मौके पर पहुंची है, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। फिलहाल 414 नंबर गाड़ी डायल 112 से पहुंची हुई है और इनका क्या कुछ कहना है वो भी जरूर पूछेंगे। कहाँ गया तो लेकिन भी सिविल एंड पुलिस आ रही है मौके पर, कार्रवाई होगी। उधर कंट्रोल को बता दिया, रंबा चौकी इंचार्ज को बता दिया, वो मौके पहुँच रहे हैं। सर ये केमिस्ट पता चला कौन कहाँ का था? संगोई दुकान है सर, क्या शिकायत मिली है? फोन आया था हमारे पास, तो ये वहाँ कौन सा गांव है रंबा के पास, संगोई के पास दुकान करा थी किसी जी, संगोई दुकान करा थी एक डॉक्टर की, केमिस्ट है कोई, केमिस्ट करता है चूचू नाम का। उस पर उन्होंने इस औरत को टिक्का लगाया जो एक्सपायर हुई है, ये कह रहे बुखार है, बीबीपुर की औरत बता रहे इंजेक्शन लगने के बाद तबीयत खराब हो गई उसको, इसी यहाँ ले आओ, उसकी डेथ हो गई है। उसको छोड़ और केमिस्ट वो आरोपी यहाँ से छोड़ के भाग गया है, जिसके बारे सिविल लाइन थाने को सूचित कर दिया, सच सिविल लाइन आने लग रहा है, रंबा चौकी को कंफर्म कर दिया और उसको कंट्रोल को बता दिया, पूरे मामले की जांच की जाएगी। असली गलती कहां पर है? फिलहाल तो आरोप है, दवाई फिलहाल अगर आप देख सकते हैं कि सिविल लाइन को सूचना जरूर दी गई है, सिविल लाइन थाना से SHO मौके पर जरूर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है सिविल लाइन थाना से SHO आएंगे और जो आगे सभी जाँच की कार्यवाही वो ही करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है, ट्रामा सेंटर से आपको दिखा रहे हैं। एक परिवार पर कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ जरूर टूटा है और इस बात का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं
हैं कि महिला की जो मौत है वो संदिग्ध परिस्थितियों में जरूर हुई है। यहाँ पर आपसे यही हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि आप किसी भी तरह की कोई भी दवाई या इंजेक्शन लेने से पहले आप बिल्कुल जब डॉक्टर आपको लिख कर दे, आपकी जाँच करने के बाद दे, तभी आप ले। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज किस तरह से त्यौहार का दिन है और एक एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि नीलम जो है उनका नाम बताया जा रहा है, एक से दो दिन बताया जा रहा है बुखार रहा, जिसके बाद अब उनकी मौत हो गई, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत जरूर हुई है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल के ट्रामा सेंटर से है और आप इस बात का भी अपने आप में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है ये लापरवाही रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि केमिस्ट जो है दोनों मौके पर आए थे। केमिस्ट की जो शॉप है वो बताया जा रहा है संगोई में है, चूचू उनका नाम बताया जा रहा है, और वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन जब महिला को मृत घोषित किया जाता है उसके बाद वो मौके से फरार हो जाते हैं। जी हाँ, वो मौके से फरार हो जाते हैं। अपील रहेगी कि आप जो है इस तरह किसी से भी किसी भी तरह का इंजेक्शन बिल्कुल ना लगवाए, एक दुख परिवार पर दुखों का पहाड़ जरूर टूटा है। महिला की मौत हो जाती है, जी हाँ, महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाती है। फिलहाल जाँच की जाएगी कि आखिर क्या कुछ जो है कारण रहे हैं मौत के। अपील यही रहेगी कि वीडियो को आप शेयर करते रहें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। बीबीपुर की रहने वाली एक महिला एक केमिस्ट के पास जाती है दवाई लेने के लिए। वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में नीलम की मौत हो जाती है। एक बार बातचीत करेंगे। आंटी जी, कब से बुखार था, उन्हें कब गए थे वो? कब से था बुखार? तो उसका बच्ची चढ़ जगरा था, उतर जगरा था, दवाई ले लती, उतर जाता ना धो लती, रोटी भी रोज ही खावाती। वो तो ऐसी थी जैसे हम, वो तो उसका तो कुछ नहीं होया, बुखार ही था और कुछ नहीं था। अरे तो बुखार भी नहीं चढ़ रहा था, टेस्ट करवाना आई थी, इले टेस्ट करवान दो करवान दो। वो पूरा टिक्का भी नहीं भर ले गए गुड़ आगे मेरे बच्चे का, तो सुंगो ही थे ली थी। उस इंजेक्शन किस चीज़ का? बुखार का लगाया था, ला दिया ले गली, वो टेस्ट करवान दो करवान दो, टेस्ट नॉर्मली कड़ा और कुछ नहीं था उसका। अल बुखार तो नहीं रहा था, परसों भी टिक्का लुआया ना, मैं चल बुखार उतर गया, कोई बात नहीं, रोटी पानी अपना इन करा थी, लत्ते कपड़े धोए ना, सार काम कराया। टीका लगाती तबीयत और खराब होगी? हाँ जी भी होगी, जी भी उसका जगूड़ आ गए। केमिस्ट बता रहे हैं कि साथ में आए थे दोनों, फिर चले गए। मेरा पोता और मेरे बहू आए थे, पुत्र में वहीं थे। देख सकते हैं मौके पर पुलिस भी जरूर पहुंची है, डायल 112 की टीम को जो है यहां पर जरूर बुलाया गया था और यहां पर पूरा परिवार पहुंचा हुआ है। और किस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला की जो मौत है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। जी हां, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत जरूर हुई है। फिलहाल डायल 112 की आरवी व्हीकल नंबर 414 जो है मौके पर जरूर बुला लिया गया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप जो है कभी भी किसी बुखार जैसी स्थिति में किसी भी केमिस्ट से बिना किसी मेडिकल के ऑथराइजेशन ना हो या फिर किसी तरह की जो है वो डॉक्टर ना हो, तो उनसे किसी भी तरह का इंजेक्शन आपके लिए कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, इस बात की भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ट्रामा सेंटर में महिला को लेकर आया गया था, फिलहाल उनकी मौत यहाँ पर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि परिवार में किस तरह से जो है मातम का माहौल है और कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से देख सकते हैं कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। अचानक से एक महिला की मौत हो जाती है, 2 से 3 दिन बताए जा रहे हैं कि बुखार जो है वो रहा है और वो दवाई जो है गांव से ही लेते रहे। उसके बाद वो केमिस्ट पर जाते हैं, किसी दुकान की केमिस्ट पर जाते हैं और केमिस्ट जो है टेस्ट करने के साथ साथ एक इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगने के बाद ही जो बताया जा रहा है उनकी मौत हो जाती है। ट्रामा सेंटर उनको ज़रूर लेकर आया गया। फिलहाल डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुँची और कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बुरा जो है वो परिवार का हाल है। अंदर फिलहाल जो है मौके पर अंदर जो है महिला के शव है। आप उस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप किसी भी बुखार जैसी स्थिति में किसी भी केमिस्ट से अगर किसी बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के इस तरह की किसी भी इंजेक्शन को लगवाते हैं तो वो कितना ज़्यादा आपके लिए घातक हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप बिना किसी मेडिकल यानी कि जो डॉक्टर होते हैं MBBS डॉक्टर सर्टिफाइड डॉक्टर के बिना अगर आप इस तरह से इंजेक्शन किसी से लगवाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आपको रिएक्ट कर सकता है, वो आपके जो किसी ना किसी तरह की मेडिकल इशू क्रिएट कर सकता है। जिसके बाद एक बार पुलिस जो है मौके पर पहुंची है, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। फिलहाल 414 नंबर गाड़ी डायल 112 से पहुंची हुई है और इनका क्या कुछ कहना है वो भी जरूर पूछेंगे।
गया कहाँ गया, तो लेकिन भी सिविल एंड पुलिस आ रही है मौके पर, कार्रवाई होगी। उधर कंट्रोल को बता दिया, रंबा चौक के इंचार्ज को बता दिया, वो मौके पहुँच रहे हैं। सर ये केमिस्ट पता चला कौन कहाँ का था? दुकान है सर, क्या शिकायत मिली है? फोन आया था हमारे पास, ये वहाँ कौन सा गांव है, रंबा के पास, संगोही के पास दुकान करा थी किसी, संगोही दुकान करा थी एक डॉक्टर की, केमिस्ट है कोई, केमिस्ट करता है चूचू नाम का। उस पर उन्होंने इस औरत को टिक्का लगाया जो एक्सपायर हुई है, ये कह रहे बुखार है, बीवीपुर की औरत बता रहे, इंजेक्शन लगने के बाद तबीयत खराब हो गई उसको, इसी यहाँ ले आओ, उसकी डेथ हो गई है। उसको छोड़ केमिस्ट, वो आरोपी यहाँ से छोड़ कर भाग गया है, जिसके बारे सिविल थाने को सूचित कर दिया, सच सिविल आने लग रहा है, रंबा चौकी को कंफर्म कर दिया और उसको कंट्रोल को बता दिया, पूरे मामले की जांच की जाएगी, असली गलती कहां पर है, फिलहाल तो आरोप है, दवाई। फिलहाल अगर आप देख सकते हैं कि सिविल लाइन को सूचना जरूर दी गई है, सिविल लाइन थाना से SHO मौके पर जरूर पहुंचेंगे, बताया जा रहा है सिविल लाइन थाना से SHO आएंगे और जो आगे सभी जाँच की कार्यवाही वो ही करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है, ट्रामा सेंटर से आपको दिखा रहे हैं, एक परिवार पर कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ जरूर टूटा है और इस बात का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला की जो मौत है वो संदिग्ध परिस्थितियों में जरूर हुई है। यहाँ पर आपसे यही हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि आप किसी भी तरह की कोई भी दवाई या इंजेक्शन लेने से पहले आप बिल्कुल, जब डॉक्टर आपको लिख कर दे, आपकी जांच करने के बाद दे, तभी आप ले। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज किस तरह से त्योहार का दिन है और एक एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि नीलम जो है उनका नाम बताया जा रहा है, एक से दो दिन बताया जा रहा है बुखार रहा, जिसके बाद अब उनकी मौत हो गई, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत जरूर हुई है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल के ट्रामा सेंटर से है और आप इस बात का भी अपने आप में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है ये लापरवाही रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि केमिस्ट जो है दोनों मौके पर आए थे, केमिस्ट की जो शॉप है वो बताया जा रहा है संगोई में है, चूचू उनका नाम बताया जा रहा है, और वो यहाँ पर आते हैं लेकिन जब महिला को मृत घोषित किया जाता है उसके बाद वो मौके से फरार हो जाते हैं। जी हाँ, वो मौके से फरार हो जाते हैं। अपील रहेगी कि आप जो है इस तरह किसी से भी किसी भी तरह का इंजेक्शन बिल्कुल ना लगवाएं, एक दुख परिवार पर दुखों का पहाड़ जरूर टूटा है, महिला की मौत हो जाती है। जी हाँ, महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाती है। फिलहाल जांच की जाएगी कि आखिर क्या कुछ जो है कारण रहे हैं मौत के। अपील यही रहेगी कि वीडियो को आप शेयर करते रहें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।